हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लेकर आई हूँ काला चना और कद्दू का सब्जी बनाने का नया तरीका। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम कद्दू। इसका छिलका हटाकर काट लिए हैं, इसको अच्छे से धो लिए हैं। कढ़ाई में तेल को गरम कर लेते हैं। इसमें जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, एक सूखी मिर्ची, एक कटी हुई प्याज मिलाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज को लाल होने तक पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर, वैसे चला देंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा चला देते हैं और इसको ढककर 2 मिनट के लिए पकाने देते हैं। इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। जीरा, गोलकी, मिर्ची, लहसुन और अदरक, ये सब को पीस लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा पानी दे लेते हैं और अच्छे से पीस लेते हैं। पीस के तैयार हो गया है, देखिए अच्छा से पेस्ट बन गया है। अब दूसरा बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इधर देखते हैं, टमाटर भी पक गया है। अब इसमें डालेंगे मसाला पिसी हुई। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मिर्ची डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ को मिलाते हैं, मसाला को अच्छे से भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा देर के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद भिंगा हुआ चना डालेंगे, 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। तो अच्छे से चला देते हैं। इसमें डालेंगे कद्दू, कद्दू को भी अच्छा से चला के मिलाएंगे। अच्छे से मसाला मिल जाएगा। देखिए अच्छा से मसाला मिल गया है। अब इसमें डालेंगे पानी, मिला देते हैं। के बाद इसको 8 से 10 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे। आप देख सकते हैं चना और कद्दू का सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। ही अच्छा और स्वाद बना है। कटी हुई धनिया पत्ता इसमें डालेंगे। आप इसको चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।